The grassland, first the contents, definition of grasslands, then the climatic conditions in grasslands, the soil conditions in grasslands, and the types of grasslands. So students, we simply, what are grasslands? So grasslands mean grassland. So means these are the biomes or these are the systems or the patches of land where mainly grasses are dominating. ये ज़मीन के ऐसे हिस्से हैं जहाँ ग्रासेस क्या कर ली हैं मेनली डोमिनेट कर रही होती हैं अच्छा अगर जनरली हम देखें हमारे पास बीस डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हैं जैसे एक है कॉनीफर्स फॉरेस्ट हैं तो यानी ये ऐसा बायोम है जहाँ कॉनीफर्स यानी कि बड़े ट्रीज़ जो हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं डिसिडिस फॉरेस्ट के अंदर जो लीव्स को शेड ऑफ़ करने वाले पत्ते गिराने वाले जो ब्रॉड लीव्स जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं इसी तरह से ग्रास लैंड जो हैं दीज आर दाइप ऑफ बायोम्स या ऐसी बायोम्स की टाइप्स है जिसके अंदर मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस जो है जो वो डोमिनेट करेंगे यानी ट्रीज वगैरह डोमिनेट नहीं करेंगे बल्कि जो मेन डोमिनेटिंग प्लाट्स होंगे वो दे आर एक्चुअली द ग्रासेज सो इफ लुक एयर द्रास लैंड दे अकाउंट फ्राम ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट ऑफ़ टोटल वर्ल्ड लैंड यानी दुनिया की टोटल तो 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 जो लैंड एरिया है उसके ऊपर ट्वेंटी से फोर्टी परसेंट तक जो है वो जो ग्रास लैंड जो है वो प्रेजेंट हैं या उसको डिनेट कर रहे होते हैं सो इफ वी लुक एट दोजीशन तो नॉर्मली ग्रास लैंड जो है वो डेजर्ट और फॉरेस्ट के दरमियान का एक हमारे पास जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन या बायोम होगा यानी डेजर्ट की जो कंडीशन condition, जो हैं उससे लेस सवियर होगी और सब फॉरेस्ट जो वो लेस आइडियल कंडीशन जो वो हमारे पास मौजूद होंगे ग्रास लैंड एकोसस्टम्स के अंदर सो वाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन जी जैसे अभी हमने कहा कि डेजर्ट जो है उससे लेस सवियर कंडीशनस होंगी जबकि फॉरेस्ट की नस्बत कंडीशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा सवीर होंगी सवीर होने का मतलब ये है प्रेसिप्रेशन प्रेसिप्रेशन इन रेनफॉल कम होगी फॉरेस्ट के अंदर रेनफॉल ज़्यादा है तो जो ग्रास लैंड हैं दे आर हैविंग लेस रेनफॉल एज़ कंपेयर टू तो द फॉरेस्ट सो एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें इट रेंज फ्राम ट्वेंटी फाइव टू द हंड्रेड सेंटीमीटर एनुअली अगर हम जैसे देखें फ़ॉरेस्ट के लिए हम कहते हैं सेवेंटी फाइव से वन फिफ्टी सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल होती है जबकि इसके मुकाबले में जो ग्रास लैंडस हैं उनकी 25 से 100 के दरमियान जो है वो सेंटीमीटर पर ईयरस जो है वो प्रेसिपेशन या एनुअल रेनफॉल होगी टेम्परेचर कंडीशन वेरीज मीन कुछ ग्रास लैंड ऐसी हैं जो बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है कोल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो है मौजूद हैं जबकि कुछ ग्रास लैंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर मॉडो ओवरऑल जो ग्रास लैंड दे आर हैविंग मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स फ्राम माइनस ट्वेंटी टू द 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो -20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर कंडीशन जो है वो वेरी कहते हैं सॉइल कंडीशन अगर ग्रास लैंड की बात करें अगर तो ग्रास लैंड की सॉइल बहुत अच्छी थी तो, तो वहाँ ट्रीज़ ग्रो करते क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पीक के ऊपर जो इको सिस्टम या बायोमता वो ऐसा है जिसके अंदर ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं सबसे जो है वो बेस्ट जो है वो या क्लाइमैक्स जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्रास लैंडस हैं उनकी सॉयल जो है उसके अंदर इतनी फर्टिलिटी नहीं है वो करेक्ट्रिस्टिक्स नहीं है कि वहाँ बड़े बड़े ट्रीज़ जो है वो ग्रो कर सकें सो नॉर्मली द सॉयल इज़ पोरस सॉयल जो पोरस है जिसकी वजह से अंदर उसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर जो है वो कम होगी जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली वेजिटेशन भी वहाँ वो कम होगी सिर्फ जो अपर लेयर है ग्रास लैंडस की या थिन लेयर जो होता है अपर लेयर होती है दैट इज़ होल्डिंग द ह्यूमस उसके अंदर हुईमस है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मौजूद होती है इसी वजह से वहाँ ऐसे ग्रासेस ग्रो करते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं तो अपर एरिया से क्या करते हैं उसको लिए वो यूज करते हैं उसको सो so, तो ग्रास लैंड इको सिस्टम के अंदर अगर हम देखें अगर ग्रास लैंड इको सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया जाए तो अल्टीमेटली ग्रास लैंड इको सिस्टम जो है या ग्रास लैंड जो बायोम है इट इज कन्वर्टेड इन टू द डेजर्ट्स सो वर्ल्ड वाइड इफ यू लुक एट द ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स ग्रास लैंड इकोनमिक्वेस्ट सिस्टम का हमें दो टाइप्स की जहां जो है वो ग्रास लैंड मिलेंगी फर्स्ट वन इज़ एक्चुअली द ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रास लैंड्स हैं या फिर यूरोप के अंदर कुछ ग्रास लैंड ऐसे होती हैं जहाँ टेम्परेचर कंडीशन कोल्ड हैं यानी कूल क्लाइमेटिक कंडीशन हैं और उनके अंदर किसी तरह का कोई ट्री जो है एग्जिस्ट नहीं करता है सो सच ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप दे आर कॉल्ड एज द प्रेरीज जबकि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो ग्रास लैंडस हैं दे आर हैविंग सम स्कैटर्ड ट्रीज उनके अंदर कुछ स्कैटर्ड ट्रीज मौजूद होते हैं एंड दीज ग्रास आर आल्सो कॉल्ड द सवाना सवाना के साथ साथ इनको ट्रॉपिकल सवाना कहा जाता है ट्रॉपिकल का, का मी मतलब यह कि ट्रॉपिक्स के करीब हैं और यहाँ बाकायदा जो है एक रेनी सीजन आता है जिसके दौरान तो ग्रासेस जो है वो बलूम करते हैं